पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा महिला मोर्चा की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद सभी महिलाओं में खुशी की लहर है। इस दौरान सभी के द्वारा एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देने का सिलसिला जोरों पर चल रहा है। भाजपा महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष बनी डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा कि भाजपा को मजबूत करना उनका मकसद है और भाजपा में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम सभी की राय से किया गया है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग हर उम्र की कार्यकर्ता को अपनी कार्यकारिणी में स्थान दिया है और सभी को एक साथ लेकर आगे चला जाएगा। 2022 विधानसभा को लेकर भाजपा जिस तरह से सशक्त है और जिस तरह से हम अपना वर्जन पुनः लाना चाहते हैं, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि मुरादाबाद का भी एक बेहतर सपोर्ट जाए। यहाँ से भी बहुत अच्छी कंडीशन में, पिछली बार से 100 गुनी बेहतर कंडीशन में सीट निकल के जाए, उसके लिए उसी के मद्देनज़र हमने महिला मोर्चा का गठन किया है। जैसे हर बार केवल अध्यक्षीय कार्यकारिणी होती थी, लेकिन इस बार हमने समस्त शीर्ष नेतृत्व का भी पूरी तरह से अपना एडवाइस लिया। इसके साथ हमने एक विशेष आमंत्रित अतिथि में भी 21 मेंबर्स की टीम बनाई है, जिसमें हमारी शहर की सभी वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी बहनें, हमारी डॉक्टर्स बहनें, आंगनवाड़ी बहनें और एडवोकेट बहनें भी हैं, उसमें हमारी समाज सेवी बहनें भी हैं, एनजीओ संचालक भी हैं। उन सभी का समावेश भी हमने केवल एक इसी दृष्टि से किया है ताकि सभी का समायोजन महिला मोर्चा को मिले और एक अच्छी बैकग्राउंड बन के आए और एक अच्छा प्रयास हम महिला मोर्चा के तरीके से कर सकें। जैसे कि हमारे यहाँ भाजपा संगठन में युवा मोर्चा को संगठन की रीढ़ माना जाता है, हमारा प्रयास यही है कि जिस तरह से युवा मोर्चा को संगठन की रीढ़ माना जाता है, वैसे ही महिला मोर्चा भी कोई मुकाम हासिल करे। हम लोग उस तरीके का एक वर्क करें, एक अच्छी टीम लाएं और महिला मोर्चा में आपको पिछली बार से बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा भी पिछला 4-5 साल का अनुभव हो गया। उन सभी अनुभवों को देखते हुए अपने शीर्ष नेतृत्व का भी सलाह ली मैंने और उस तरह से हमने इस कार्यकारिणी को गठित किया है और सभी चयनित बहनें मेरी बहुत खुश हैं। समस्त चयनित टीम को मेरी तरफ से पुनः एक बार हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो वहीं भाजपा महिला मोर्चा की महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनी प्रीति कश्यप ने जिम्मेदारी मिलने पर सभी का आभार जताया है और सभी के साथ मिलकर कार्य करने की उम्मीद जताई। इस दौरान प्रीति कश्यप ने कहा कि टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया जाएगा। पहले तो मैं सभी का धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी है वरिष्ठ उपाध्यक्ष की, उसको मैं तहे दिल से निभाऊंगी और सबका शीर्ष नेतृत्व से सबका आभार व्यक्त करती हूँ। आगे टारगेट 2022 रहेगा आदि आबादी है महिला, तो योगी जी को दोबारा से लाएंगे सत्ता में और घर घर जाके अलग जगाएंगे जीत का और जीत का डंका बजाएंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी महानगर अध्यक्ष जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और जो कार्यकारिणी बनी है नई, उस सभी को बधाई देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। सभी साथ मिलकर काम करेंगे, सबके साथ कंधे से कंधा मिला के और सब महिलाओं को और सबको आगे लेकर जोड़कर पार्टी में आगे बढ़ेंगे और दोबारा से योगी सरकार को लाएंगे। वहीं महानगर महामंत्री बनी सुनीता सैनी ने उच्च नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, साथ ही पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारियों का निर्वहन करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही कहा कि महानगर अध्यक्ष डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित के साथ कदम से कदम मिलाकर वो आगे बढ़ती रहेंगी। आदरणीय अध्यक्ष जी का और अपने शीर्ष नेतृत्व जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस दायित्व को जो मुझे संगठन ने दिया है उसके प्रति निष्ठावान और क्षमता से अपनी कार्य करूं। अपनी आदरणीय अध्यक्ष जी के कदम से कदम मिलाकर काम करना चाहूंगी और अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगी कि मैं उनके साथ हर कंडीशन में खड़ी रहूं। जैसा कि हमारी अध्यक्ष जी ने कल हमारी महिला मोर्चा की जो घोषणा हुई है, सभी वर्ग सभी आयु की बहनों को
जगह दी है और सभी बहनें बहुत खुश हैं। पहले क्या होता था कि वो कार्यकारिणी केवल अध्यक्ष ही घोषित किया करता था, मगर हमारी आदरणीय अध्यक्षा जी ने सभी संगठन के पदाधिकारियों की सलाह लेकर और सहमति से कार्यकारिणी को बनाया है। इससे सभी बहनें बहुत खुश हैं और 2022 का विधानसभा का जो चुनाव आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए सभी बहनों का चयन हुआ है और सभी बहनें बहुत खुश हैं। भाजपा महिला मोर्चा की महानगर महामंत्री बनी हेमा खत्री ने भी सर्वप्रथम उच्च नेतृत्व का आभार जताया, साथ ही कहा कि सभी को साथ लेकर चलना और एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की उनकी इच्छा है, जिसे वो पूरा करेंगी। साथ ही सभी को शुभकामनाएं भी दी है। सर्वप्रथम मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को और वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद कहूँगी, और जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे महामंत्री बनाया गया। इससे पहले पूर्व में मैं चंदन नगर मंडल अध्यक्ष थी। बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी मेहनत के साथ जैसे पहले हमने चुनाव लड़ाया, हम महिलाएं आदि आबादी हैं और फिर से हम पुनः अपने योगी आदित्यनाथ महाराज जी मुख्यमंत्री जी को फिर से पुनः जितवाएंगे। और महिलाओं के अंदर बहुत ही ऊर्जा है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने महिलाओं को बहुत ही मतलब सम्मान दिया और बहुत साथ दिया, हर जगह सम्मानित कर रहे हैं। और महिला आदि आबादी हैं, वो आगे पूरा तन मन धन से सहयोग करेंगी। मैं अपने सर्वप्रथम महानगर अध्यक्ष जी का धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और अपनी अध्यक्षा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी का धन्यवाद दूंगी, और जितने मेरे कार्यकारिणी सदस्य हैं, मंडल के उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, उन सबका आभार प्रकट करूंगी और उसके संग मिल के कार्य करूंगी। क्या लक्ष्य रहेगा आपका 2022 का विधानसभा चुनाव का? तन मन धन से हम महिलाएं इसमें कार्य करेंगी और पुनः योगी आदित्यनाथ महाराज जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे।